पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर विशेष रूप से चलाए जा रहे 3 दिवसीय एंटी रोमियो अभियान के क्रम में महिला थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने शहर के अत्यंत घनी आबादी वाले मुख्य चौक इलाके में एक होटल में छापेमारी कर वहां पर संचालित हो रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। इस दौरान पुलिस ने 4 जोड़ों के साथ ही होटल संचालक को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि डीजीपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान का आज आखिरी दिन था। चौक स्थित राजहंस लाज में महिलाओं के साथ अनैतिक कार्य की सूचना पर एंटी रोमियो स्क्वाड प्रभारी महिला एसओ मधुपनिका ने सीओसीटी अजय कुमार यादव व एसएचओ कोतवाली के साथ होटल में छापेमारी की तो 4 जोड़े आपत्तिजनक हालत में मिले, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही होटल संचालक शिवचंद मौर्य को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार जोड़ों में आसमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र के अलावा मऊ के चिड़ियाकोट के निवासी हैं। एसपी ग्रामीण ने बताया कि आरोपियों पर पीटा एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि होटल व लॉज पर आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस की इस कार्रवाई से चौक क्षेत्र में अफरा तफरी की स्थिति रही। आज महिला एसओ हमारी जो जिले की एंटी रोमियो स्क्वाड की प्रभारी है, चेकिंग कर रही थी। उनको जानकारी मिली कि एक राजहंस होटल है, वहाँ पे कुछ अवैध अनैतिक काम वहाँ महिलाओं के साथ किया जाता है। और इस पर उन्होंने सीओसीटी को बुलाया, एसएचओ कोतवाली को बुलाया, लोगों ने जाके वहाँ पे रेड किया मौके पर। तो उस होटल के मालिक के द्वारा अपने होटल में अनैतिक काम करवाया जाता रहा पैसे लेकर के। मौके से 4 कपल पकड़े गए हैं, होटल मालिक गिरफ्तार हुए हैं और पीटा एक्ट में मुकदमा लिख के इन पर आवश्यक विधिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। ये कुल मिला के 9 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, 4 कपल्स हैं और एक होटल के मालिक हैं जो इस धंधे को करवाते हैं। इसमें सीओ सिटी की तरफ से फर्द लिखी जा रही है, क्योंकि वही मुकदमावादी बनेंगे इसमें और शेष विधिक कार्रवाई की जाएगी। जानकारी यह भी आई है कि पूर्व में भी पहले ये होटल काफ़ी बदनाम रहा है और इस पर पहले रेड पुलिस ने किया था और ये अवैध गति पकड़ी गई थी उसमें। निश्चित तौर से चूंकि एंटी रोमियो स्क्वाड हमारा जो लगातार इस पर एक्टिव है, काम कर रहा है और डीजीपी महोदय की तरफ से इस समय 3 दिवसीय अभियान चल रहा है, आज उसका अंतिम दिन भी था। इसी को लेकर बहुत सक्रियता से हमारी पूरी टीम थाने की और जो मुख्य स्क्वाड है वो चेकिंग हो रही थी और उसके बाद ये प्रकाश में मामला आया और अरेस्ट कराई गई इस पर, तो ये घटना प्रकाश में आई है। इसमें जो भी होटल्स वगैरह हैं या जो भी ऐसे होटल के आड़ में अवैध धंधे करते करवाते हैं उन पर भी हम लोग लगातार वॉच रखे हुए हैं। पुख्ता जानकारी मिलने के बाद उसको रेड की जाएगी और उन पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी तक जानकारी यह हुई है कि होटल मालिक पैसा लेते थे सबसे, क्योंकि वो यात्रियों के रहने के लिए है, लेकिन जब ऐसे धंधे करवाते थे वो तो होटल मालिक एक्स्ट्रा पैसे बढ़ा के लेते थे। कभी कभी कुछ लोगों को लड़के खुद लेके वहाँ आते थे पैसे पर, और कभी कभी ऐसी जानकारी हुई कि उनके कुछ और लिंकेज हैं जिसे बुलवा के उनको उस कमरे में लड़कियां उपलब्ध करवाते थे। वो सभी बिंदुओं पर इसमें जांच हो रही है, बेहद इंटोगेशन चल रहा थाने में। अभी जो बताएंगे उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई और बढ़ा के इसमें करेंगे। निश्चित तौर से चूँकि इस एक्ट में प्रावधान है कि उस होटल को हम लोग सीज करेंगे हम लोग और रिपोर्ट जाएगी न्यायालय में। होटल सीज स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ते हुए अगर कहीं देखना है तो आप रैदोपुर न्यू कॉलोनी में देख सकते हैं। यहां की गंदगी व बदतर सफाई व्यवस्था इसलिए विचलित करने वाली है कि यहीं ऑफिसर्स कॉलोनी है, यानी कि अधिकारी यहीं रहा करते हैं। यहां का जब यह हाल है तो और जगहों का क्या होगा, आप सोच ही सकते हैं। रैदोपुर न्यू कॉलोनी वासी गंदगी का जहर पी ही रहे हैं, साथ ही मौत का खतरा भी रोज झेल रहे हैं। जी हाँ, यहाँ बिजली का ओपन बॉक्स यमराज के रूप में खड़ा है। बिजली के बॉक्स व तारों के खुले रहने से स्थानीय लोग डर के साए में अपने दिन रात गुजार रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों ने आक्रोश जाहिर करते हुए समस्या के बाबत आवाज उठाई है। व्यापारी रमेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि सफाई के मुद्दे को लेकर उन्होंने 2 बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं क्षेत्र में खुले पड़े बिजली के बॉक्स के बारे में विभाग को भी सूचित किया, लेकिन विभाग के लोग अब तक सिर्फ
इतनी कार्रवाई किए हैं कि आए हैं और देखकर चले गए हैं। यहाँ पहली समस्या है तो नाली यहाँ भर जाती है, पूरा पानी निकल के सब बाहर आ रहा है, बदबू कर रहा है, खाने पीने की दुकान है यहाँ पे, कोई रुकना नहीं चाहता है, न बैठ सकता है एक मिनट भी आदमी कायदे से, इतनी बदबू कर रहा है। यहाँ कीड़े इसमें सब पड़ गए एकदम, बिल्कुल नाली उसी तरह से जाम पड़ी हुई, कोई देखने वाला, दो दो बार मैं गया कहा भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, आ रहे लोग देख के चले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसका। और दूसरा चीज़ यहाँ बिजली का डिपर जो है, बिजली का जो ये बक्सा है खुला हुआ है, रोज डर बना रहता है, पानी बरसता है भर जाता है और करंट उतरने के पूरे पूरे चांस बने रहते हैं, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर पल्ला टूट गया है, पूरा खुला हुआ है, करंट उसमें चल रहा है। कितने दिनों से ये समस्या यहाँ बनी हुई? ये समस्या कम से कम 6 महीने से बनी, और नाली वाली तो साल डेढ़ साल से बनी हुई है। इसके बिजली विभाग के जिम्मेदार अफसर वगैरह कई बार लोग आए गए कहा, लेकिन सुनते हैं और फिर चले जाते हैं, कुछ नहीं। तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि जो ये नाली भरी हुई है इसको ठीक करवाएं, नाली को सुदृढ़ करवाएं ताकि पानी का बहाव बने, पटरी कीड़े ना बने, पटरी बनवाएं, पटरी खन के छोड़ दिए आज 3 साल से खन के छुटा हुआ इसी तरह से, और वो 6-7 महीने से बोर्ड जो है खुला हुआ डब्बा, जानवर यहाँ बंदर डेली कूदते फांदते हैं, बंदरों का करंट लग जाता है, आदमी को भी खतरा बना हुआ है, कभी भी कोई भी उस रास्ते से आता जाता है, खतरा हमेशा बना हुआ है, पानी भर जाता है यहाँ, बरसात थोड़ी सी बरसात होती पानी भर जाता है, करंट उतरने के पूरे पूरे चांस है। स्थानीय क्षेत्रवासियों को इस बात का सर्वाधिक मलाल है कि क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का निवास होने के बाद भी साफ सफाई सहित तमाम अव्यवस्थाएं व्याप्त हैं। मेरे दुकान के सामने और अगल बगल सब पानी से भरा हुआ गड्ढा है, और मतलब ये कई सालों से सड़क जो है पटरी नहीं बन पाई है और सब गड्ढा युक्त है, और इधर ही से आला अफसरों का कचहरी से और कॉलोनी तक आना जाना अप डाउन है, कचहरी से त्रिभुज चौराहा तक है और उसके बाद अफसर कॉलोनी है, और कॉलोनी में सभी अधिकारी आते जाते हैं, लेकिन घर उन लोगों का रुख नहीं होता है, वो देखना भी नहीं चाहते कि यहाँ क्या परेशानी क्या दिक्कत है और हम लोग परेशान हैं। अब बरसात जब होती है तो पानी पूरा जल भर जाता है और पूरा नदी की तरह से हो जाता है, लोगों का आना जाना दुभर हो जाता है और लोग पब्लिक परेशान रहती है। ये बिजली वाली समस्या और बिजली वाली यहाँ पर ये डब्बा जो लगा हुआ है इसका केवाड़ वगैरह टूट टाट गया है और जो है इसमें ओपन है और ये इससे करंट हमेशा मारने का भय रहता है, कोई भी कभी भी जानवर या कोई भी फंस सकता है और उसकी मृत्यु हो सकती है, यहाँ तक कि आदमी भी अगर कोई टच हो गया गलती से तो वो भी खत्म हो जाएगा। ये पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन प्रशासन इधर से आना जाना सबका, लेकिन कोई देखता नहीं, कोई देखने वाला नहीं। नेहरू हॉल के सभागार में हरिहरपुर घराना संगीत संस्थान के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय कजरी महोत्सव के अंतिम दिन सोमवार को श्रोताओं ने देर रात तक लुफ्त उठाया। जनपद और बाहर से आए कलाकारों ने अपने अपने गायन के माध्यम से समा बांध दिया। कजरी महोत्सव का शुभारंभ प्रधानाचार्य अनिल उपाध्याय ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर व साक्षी प्रिया द्वारा गणेश वंदना से किया गया। फैजाबाद की कलाकार श्वेता द्विवेदी ने महोत्सव में अरे रामा कैसे खेलबा कजरिया बदरिया घेरे रामा गाकर खूब वाहिवाही। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार ने मंगलवार को टीबी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने दवाओं के भंडारण कक्ष को देखा। दवाएं पर्याप्त उपलब्ध थीं, लेकिन अव्यवस्थित तरीके से रखी गई थीं, जिस पर उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए एक सप्ताह के अंदर ठीक करने का निर्देश दिया। उन्होंने ओपीडी को भी देखा और इसके बाद अस्पताल बिल्डिंग के अन्य कक्षों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बेकार पड़े सामानों पर जहां साथ चल रहे डीडीओ पर नाराजगी जताई, वहीं खस्ताहाल भवन व गंभीर रोगियों के बाहर बैठने हेतु प्रस्तावित भवन के लिए तत्काल विभागीय जेई राम नारायण यादव को अब तक हुई कार्रवाई व पत्राचार का विवरण लेकर अपने कार्यालय में तलब किया। जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रार्थना पत्र लेकर आए ये छात्र नेता छात्रवृत्ति आवेदन फार्म भरने की डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी आजमगढ़ के दर्जनों डिग्री कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, सैकड़ों हजारों छात्र एडमिशन नहीं ले पाए हैं। ऐसे में 30 अगस्त को ही छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि रख दी गई है। ऐसे में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएँ फार्म भरने से वंचित हो जाएंगे। छात्र नेताओं ने जिला प्रशासन और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर नारेबाजी भी किया। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, छात्रवृत्ति का डेट बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र नेता लालजी यादव का कहना था कि यदि छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि आगे न बढ़ाई गई तो गरीब छात्र छात्राओं की पढ़ाई ही बाधित हो जाएगी। ऐसे में मुख्यमंत्री तत्काल कदम उठाएं। प्रदेश शासन द्वारा यह छात्रवृत्ति की डेट कम हो गई है, 30 अगस्त हो गई है। इसको हम लोग बढ़वाने के लिए आज मुख्यमंत्री जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आज जो है कि मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेज रहे हैं। हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि हमारे आजमगढ़ में करीब 200 के करीब विद्यालय चलते हैं, जिसमें अभी करीब 50% छात्रों का एडमिशन नहीं हो पाया है, सिर्फ 50% छात्रों का एडमिशन हो पाया है। तो हम लोग चाहते हैं प्रदेश सरकार से कि यह जो कि जो ऑनलाइन फॉर्म की तिथि डेट जो बढ़ाने की बात है उसी को लेकर के हम लोग आज डीएम साहब को दिए हैं। अगर नहीं डेट बढ़ाई जाती है तो हम लोग बृहद आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मानदेय भुगतान व संविदा बहाली की मांग को लेकर शिक्षा प्रेरकों ने मंगलवार को डॉक्टर अंबेडकर पार्क में धरना दिया। आदर्श लोक शिक्षा प्रेरक वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले एकजुट हुए शिक्षा प्रेरकों ने धरने के दौरान संविदा बहाली व बकाए मानदेय के भुगतान की मांग की। एसोसिएशन के जिला महामंत्री अखिलेश कुमार यादव ने प्रदेश व केंद्र सरकार पर शिक्षा प्रेरकों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सरकार ने शिक्षा प्रेरकों की 8 सितंबर तक संविदा बहाल नहीं की और 25 माह के बकाए मानदेय का भुगतान नहीं किया तो शिक्षा प्रेरक सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन को बाध्य होंगे। बैठक इस संबंध में किए हैं कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार घूंगी बहरी है, उसके साथ साथ केंद्र तो एकदम लूली लंगड़ी हो गई है, क्योंकि हम संविदा कर्मियों का हमेशा शोषण हो रहा है। 25 महीने से शिक्षा प्रेरकों का बकाया मानदेय है, लेकिन बकाया मानदेय के साथ साथ 31 मार्च 2018 को हम लोगों की संविदा भी समाप्त कर दी गई है। हम लोग आज यहाँ बैठक कर रहे हैं, अपनी रणनीति तैयार करेंगे। अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो हम या जिले से लेकर के सांसद लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे उसके लिए हम लोगों को आत्मदाह करना पड़े तो हम लोग आत्मदाह करेंगे और मोदी सरकार योगी सरकार को हिला के रख देंगे। और इसका जो शिक्षा प्रेरकों को हटा दिया गया है, इसका रिजल्ट, इसका खामियाजा उनको हम लोग आगामी 2019 के चुनाव दिखाएंगे। इनकी सरकार कई पुश्तों तक हम लोग बनने नहीं देंगे। साकेत पब्लिक स्कूल गढ़वा बनकट आजमगढ़ एफिलिएटेड टू सीबीएसई। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन क्लास नर्सरी टू क्लास नाइन्थ।
एडमिशन थ्रू एंट्रेंस एग्जाम। वी प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फ्रॉम आजमगढ़ सिटी, लेबोरेटरी, स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, एक्टिविटीज रूम, लाइब्रेरी एंड प्लेइंग फील्ड, स्पेशल क्लासेस फॉर NTSC, ओलंपियाड, म्यूजिक एंड कराटे क्लासेस, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। एम्स ऑफ स्कूल टू फास्टर केयरिंग स्टेबल एनवायरमेंट, टू प्रोवाइड एन एनवायरमेंट टू स्टूडेंट टू लर्न इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड मैनर, टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ मोरल, सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज। Our team, we select creative and skilled teachers who impart qualitative learning. Saket Public School, Garhwa Bankat, Azamgarh. Knowledge is power. We give power to your child. We are Paradise International School, Azamgarh. We provide 360 degree smart classes, digital library, indoor and outdoor games for physical and intellectual growth of students. A special training in the field of athletics. Admission open for playgroup to class 8, Paradise International School, Kendri Vidyalaya Road, Hirapatti, Azamgarh. आराध्या ज्वेलर्स, अग्रसेन डिग्री कॉलेज के समीप, कटरा सराय, आजमगढ़। शादी के गहने, पार्टी के गहने, डायमंड के गहने तो सोने चांदी के गहने, सब कुछ एक ही दुकान पर। आराध्या ज्वेलर्स, अग्रसेन डिग्री कॉलेज के समीप, कटरा सराय, आजमगढ़। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी, अरबी डिजाइन के डायमंड सेट, चांदी के बर्तन तो रत्नों का भंडार भी। राजकोट, बॉम्बे और दिल्ली के आभूषण भी चाहिए तो चले आइए आराध्या ज्वेलर्स, कटरा सराय, आजमगढ़। 94-15-83-15-29। Sunbeam School Azamgarh, which aims for quest for excellence. Registration open. Admission forms are available. Sunbeam School Azamgarh is powered by Sunbeam EduServe. रूपाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लाए हैं आजमगढ़ का पहला ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, रूपाली पर्ल हाइट्स अपार्टमेंट। महानगरों की तर्ज पर बन रहे रूपाली पर्ल हाइट्स अपार्टमेंट का मानचित्र आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है। शहर के मेन रोड नरोली पर बन रहे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में कमर्शियल दुकानें, 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट की बुकिंग हो चुकी है ओपन। अपार्टमेंट में मिलेगा आपको क्लब, एयर कंडीशन जिम, 3 हाई स्पीड लिफ्ट की सुविधा, सभी फ्लोर पर CCTV सिक्योरिटी सिस्टम, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड, पार्टी और फंक्शन के लिए कवर्ड बैंकेट हॉल, बेहतरीन लोकेशन एवं पार्किंग की सुविधा, आसान मासिक किस्तों पर बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध। करिए अपना सपना साकार, शहर में बताइए अपना आशियाना। फेस्टिवल ऑफर के साथ बुकिंग के लिए संपर्क करें रूपाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, काली चौरा तिराहा, रैदोपुर, आजमगढ़। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। जिले के पहले मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रामा सेंटर में जनरल व लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अमित सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कलीम, न्यूरोसर्जन डॉक्टर विपुल टंडन, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार चौहान दे रहे हैं अपनी सेवाएं।
वेंटिलेटर युक्त आईसीयू, एनआईसीयू, दूरबीन विधि से पित्त की थैली, अपेंडिक्स के सफल ऑपरेशन की अत्याधुनिक सुविधा, वेल इक्विप्ड डायग्नोस्टिक लैब, एक्सरे, ईसीजी, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट फैसिलिटी, एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल 24 आवर्स, रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़, प्रताप डायग्नोस्टिक सेंटर, अ कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर, सिविल लाइन आजमगढ़। शरीर की जांच के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं, महानगर जैसी सुविधा अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। MRI ऑफ ब्रेन, स्पाइन, बॉडी एंड ज्वाइंट, सिटी स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सिटी स्कैन, हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड, डॉपलर स्टडी, डिजिटल एक्सरे, कार्डियक टेस्ट, 2D इको, डिजिटल TMT, डिजिटल ECG, ऑल्टर मॉनिटरिंग, मेमोग्राफी, OPG, BFT एंड पैथोलॉजी। एम्बुलेंस फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल ओनली एट प्रताप डायग्नोस्टिक सेंटर, सिविल लाइन आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध।